नमस्कार, बिंदी भारत के साथ एक बार फिर मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख हलचलों पर एक नजर। वैवाहिक कार्यक्रम में द्वारचार से पहले बारातियों का स्वागत लाठी डंडों से किया गया। डीजे की धुन पर नाच रहे बारातियों ने जब डीजे बंद किया तो घराती पक्ष ने इस पर एतराज जताया और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब बारात में आए डीजे के बंद होने के बाद घराती पक्ष ने उसे चलाने के लिए कहा और जब डीजे नहीं चला तो आरोपियों ने लाठी डंडों से बारात पर हमला कर दिया। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए स्वरूप चौधरी चंदापुर निवासी बड़ोकर उत्तर प्रदेश ने बताया कि बीती रात चंदापुर से त्योंथर तहसील के चुंदरी बारात गई थी। द्वारचार होने वाला था तभी डीजे की धुन बंद हो गई। उसी समय कुछ घराती पक्ष लोग वहां पहुंचे और डीजे पर नाचने की बात करने लगे जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी की स्थिति निर्मित हो गई। कुछ ही देर में आरोपियों ने लाठी डंडे से बारातियों पर हमला कर दिया जिसमें स्वरूप चौधरी, विद्याधर चौधरी, विमलेश चौधरी और रतनलाल चौधरी को गंभीर चोटें आई हैं। सभी को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची तब तक आरोपी फरार हो चुके थे, लिहाजा काफी समय तक कार्यक्रम बाधित भी रहा लेकिन आपसी सुलह के बाद देर रात वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराया गया। अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। लक्ष्मीकांत वर्मा। घटना डीजे के साथ, डीजे जैसे बंद हुआ उसके बाद घरात वाले जो पड़ोसी थे वो लोग आए, बोले डीजे नहीं, डीजे चलाओ अभी हम लोग नाचेंगे। उस तो डीजे वाले ने बंद करके, अब जैसे द्वार पूजा हो गया अंदर बराती चले गए तो कुछ लड़के बारात वाले थे तो वो पहले डीजे वाले को मारे, जब उसको मारे तो भाग गया अंदर की तरफ। जब भाग गया तो कुछ लड़के हमारे बारात के थे तो मना करने लगे तो डंडे से मारना शुरू कर दिया। बारात आई थी बड़ोखर चंदापुर से, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से, चुंदरी गांव में, त्योंथर तहसील। हाँ, देखिए अब हम लोग तो बाराती थे, अब इतना तो नहीं है लेकिन जासूसी करके नाम पता कर लिए हैं क्योंकि रिश्तेदारी भी वहाँ पे है, ऐसा नहीं है। शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई है। कौन कौन घायल हुए? घायल रकम लाल और स्वरूप कुमार चौधरी और विमलेश और एक विद्याधर, विद्याधर डंडा से मार किए थे जी। FIR हो गई? FIR और करवा दिए हैं, अब सिटी स्कैन होने के बाद यहां से जो हम लोग जाएंगे उसके बाद। क्या किया था मुंशी को? नहीं आई थी क्या बोलते हो? पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी।